गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग ना अपने हॉस्टल से निकल गए हैं, नेहरू हॉल से। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये बड़ा हॉस्टल है, नेहरू हॉल बॉयज हॉस्टल। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ देख सकते हो ये पीछे शर्मा जी की कैंटीन, ऊपर जाते हैं ना। पूरा हमारा जो रास्ता है ना फ्रॉम हॉस्टल डिपार्टमेंट, वो देखेंगे। पहले हम लोगों को हॉस्टल से निकले, अब आपको दिखाएंगे हमारे शर्मा अंकल की कैंटीन। हाँ, ये बड़ी मशहूर कैंटीन है ना, पूरे लाल लू वगैरह वाले आते हैं। ये देखो हमारे पीछे देख सकते हो, कौन से क्या लिखा है, शर्मा कैंटीन। ये एस एच शर्मा का कार्ड लिया इन्होंने। ये देखो पीछे हमारी कैंटीन, मैगी मिल जाएगी आपको, डोसा। आजकल तो इन्होंने स्प्रिंग रोल वगैरह भी देते हैं जी, स्प्रिंग रोल सब कुछ। ये हमारे पीछे कौन सी है, ये देखो पीछे वो देख रहे हो ना, मुझे क्या पता क्या है। तो अभी हमारे सामने वाले मेहमान सर आ रहे हैं। चलो मर्सर, ठीक है। हेलो मर्सर। हाँ जी हाँ जी। हमारे उमर भाई हैं, ये हमारे कश्मीर से हैं, कश्मीरी हमारे। हाँ, कश्मीरी भाइयों को, ये हमारे कश्मीर से हैं। और ये हमारे यहाँ पे ना MCA कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में होता है ना MCA, वो कर रहे हैं यहाँ पे MCA में, सॉरी PhD कर रहे हैं MCA में। मास्टर्स इन PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स कर ली है PhD। हाँ, ये रास्ता जो पिछले ब्लॉग में देखा था ना, रास्ता बंद हो गया था ये वाला, ये दोबारा खोल दिया गया है, पता है किसका। यहाँ पे थोड़े दिन पहले ना यहाँ पे थोड़ी लड़ाई वगैरह हुई थी, ये लड़ाई नहीं चाहिए। हाँ। तो ये तो नहीं है यार। लड़ना नहीं, खुश रहना, यूनिवर्सिटी में आए हुए भाई बहन के, भाई बहन बन के। हाँ, इनके भाई और इनके बहने बन के रहो, हमारे कोई बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ये हमारा आ गया था लॉ स्कूल। तो सिमिलरली ऐसे चलते रहेंगे ना, तो आपको किसी दिन ना डिपार्टमेंट के अंदर भी लेके जाएंगे। आज आप लोग यही देखिए कि बाहर से अभी थोड़ा थोड़ा देखिए। यहाँ पे ना रोज ठंड बढ़ रही है। अच्छा, आप बोल रहे थे कोई कुछ मतलब कि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ आई थी, बोला था कि कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह बता दीजिए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। जो न्यू जो एडमिशन हुई है उनको परेशानी आ रही है ना। है ना, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में कह रहे थे यार क्या करा देंगे, दौड़ दौड़ कूद रहे इतनी। अच्छा, दिखना ये कहीं है नहीं। हाँ, कैमरा वो ये तो पीछे दिखना पीछे हमारे इनके पीछे सर आ रहे हैं, दोस्त इनके। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं, पीछे आ रहे हैं। क्या, हेलो ब्रो। हाँ जी, कैसे हो? बस बढ़िया। किधर जा रहे हो? हम डिपार्टमेंट जा रहे हैं भाई। और वाकई बस ठीक, बस वीडियो में खराब कर दी, कोई चक्कर नहीं, मैं हम डाल देंगे आपको उसमें, आपको डिलीट कर देंगे, डाल देंगे। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे ना डिपार्टमेंट, बता रहे थे ना, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कह रही थी, इधर इधर आओ, इधर आके बताओ एजुकेशन कहाँ है। हाँ हाँ, तो ये हमारे पीछे डिपार्टमेंट है ना, अभी जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लग रहा है, अभी देखो पेड़ वगैरह काट दिए, पेड़ काटे हुए हैं यहाँ पे, जेसीबी खुदाई चल रही है। और यहाँ पे हमारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जिस मेरे फ्रेंड ने कहा था कि हमें मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाइए, टूर कराइए वहाँ का और रास्ता दिखाइए, हम आपको वो किसी दिन दिखाएंगे फ्रॉम मेन गेट से डिपार्टमेंट तक का। हाँ, आज बाहर से देखिए कि ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लॉ स्कूल के बगल वाला। हाँ, लॉ स्कूल के बगल वाला। और पीछे हमारे इस साइड आइए, ये हमारे पीछे आ गए धनवंतरी लाइब्रेरी को रास्ता, डिपार्टमेंट है इतना मुश्किल है नहीं, बट जब आप एक बार यहाँ आ जाओगे आपको इजी लगेगा, खासकर उस फ्रेंड को जिसने कहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाना। सून आर लेटर आई विल बी अपलोडिंग ए यूनिवर्सिटी मैप ऑन माई यूट्यूब चैनल, so that you all can have
आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पे एक जो उदयपुर डिग्री कॉलेज है ना, उस उदयपुर डिग्री कॉलेज का जो मैप बनाया है ना पूरा, वो हमारे गुनाम सर ने बनाया हुआ है। अच्छा, आपको वो भी किसी दिन ना एक फोटो इसी में डालेंगे ब्लॉग में। हाँ, ब्लॉग में बनाएंगे। जब मैं उधर उधमपुर डिग्री कॉलेज जाऊंगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मेरा कहाँ पे लगा हुआ है वो मैप। इन्होंने बनाया पूरे कॉलेज का। हाँ। उस कॉलेज में कहाँ पे क्या क्या चीज है वो हमारे गुनाम सर ने बनाया हुआ है। ये हमारे फोटो स्टेशनरी की शॉप है, ये देख सकते हो। दिखाना यहाँ पे मिलेगा फोटो शूट के लिए। और ये है की पैसे पे करते समय पूरा मतलब की एग्जैक्ट काउंटिंग कर लेना, नहीं तो ये सीधा 500 रुपया देख के क्या करते हैं ज्यादा 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 लेने के चक्कर में रहते हैं ना आजकल ना। ठंड काफी हो गई है, धूप निकल, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, धूप निकल ही रही है। और तो वैसे है कि नाक भी लाल हो गई है, कान भी लाल हो गए हैं। और अच्छा मुझे ये बताइए, ये बताना ये जो हमें जो कैमरे में दिख रहा है, दिख रहे कुछ धुंध की वजह से नहीं दिख रही है ना? धनवंतरी लाइब्रेरी साइकोलॉजी फिलॉसफी भी यहाँ पे एमए करते हैं कुछ स्टूडेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये मेरे पीछे है ना? हाँ जी। हाँ, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला डिपार्टमेंट है वो है द बिजनेस स्कूल, टीबीएस। The business school. हाँ, ये यहाँ का वन ऑफ द रॉयल डिपार्टमेंट में से एक है। हाँ। ये वाला डिपार्टमेंट और एक द लॉ स्कूल, यहाँ का वन ऑफ द रॉयल डिपार्टमेंट है वाले। खतरनाक डिपार्टमेंट है बोल सकते हो आप। दिखाए इनको पीछे देखो। हाँ, इनको जरा ना वो दिखा दीजिए, इनके दर्शन करवा देते हैं थोड़े से ना। चलो देखो, ये कर लो दर्शन हमारे पीछे। ये है बिजनेस स्कूल। जब वो करूंगा चीज को करने की कोशिश भी करना, क्योंकि ये ईयर भी निकल गया कोरोना के साथ। कोरोना बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ था, ऐसी उम्मीदें आई थी। देखो हमने मास्क वगैरह खोले हुए हैं, अब दोबारा नहीं, हम चाहते हैं कि मास्क वगैरह आ जाए, है ना? नहीं आने चाहिए ना कोरोना का सिस्टम, मास्क वगैरह हम डालना नहीं चाहते हैं। ये वाली लाइफ अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए, है ना? कोरोना वाली लाइफ तो बहुत बुरी थी यार। जब फिर से कोविड आ रहा तो मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। आज ब्लॉग था, सीरियस ब्लॉग है, आज मैं खुद बीमार हूँ थोड़ा सा। ये थोड़े सैड हैं कुछ लग रहे हैं आज। सैड नहीं है बट हाँ, ये थोड़ा सा है कि ध्यान रखिए घर वालों का अपना सबका। आ गया हमारे गुनाम सर का डिपार्टमेंट। और हाँ, हमारे साथ में है फिजिक्स डिपार्टमेंट। हाँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये दिखाओ। फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसके पीछे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई अब कभी आना होगा तो कहिएगा बिजनेस स्कूल के साथ वाला फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है? आप क्या करना कि आप धनवंतरी लाइब्रेरी पहुंच जाओगे ना एक बार, वहां से आपको सारे डिपार्टमेंट एक ही मतलब डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। धनवंतरी के लेफ्ट साइड आपके सारे आर्ट्स के ब्लॉक्स हैं, आर्ट्स के डिपार्टमेंट है, राइट साइड साइंस के डिपार्टमेंट है, और बैक साइड उसके लॉ स्कूल है, एजुकेशन वगैरह हो गया, SSTM है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, और फिलॉसफी है, सॉरी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी भी है, फिलॉसफी। हाँ हाँ, मास्टर्स इन फिलॉसफी। इधर से आए, इधर से आओ। मैंने लास्ट ब्लॉग में डोगरी में बात की थी तो बड़े लोगों ने बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने आज स्पीक किया हुआ है हिंदी में। और अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो हिंदी में बोलेंगे, नहीं तो डोगरी में ज़्यादा बेटर लगती है। तो अभी हम इतने एक्सपर्टाइज नहीं हुए हैं इंग्लिश बोलने में, पर वो भी बीच बीच में हम बोला करेंगे अपनी इंग्लिश की शुरुआत मारा करेंगे, है ना? हाँ, चलो। ये हमारी क्या बड़ बोलते हैं इसको, क्या पीछे पीछे हमारे पीछे। हाँ, ये हमें छाया देता है। हाँ, दिख नहीं रहा। हाँ, ये छाया देता है हमें। तो ये अब इनको थोड़े यहाँ से दर्शन करवा देते हैं, ये वाले एरिया के। एक मिनट, एक मिनट रुको रुको ना यार, हम यहाँ से इनके दर्शन करवाते हैं। ये है हमारा व्यू पॉइंट है। हम धूप सेकने आते हैं कभी, यहाँ पे सिग्नल नहीं होता है जियो का, तो कॉल वगैरह करने भी आ जाते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये आगे पीछे IT, जहाँ से वाईफाई वगैरह सारा कंट्रोल होता है नेटवर्क। और इन्होंने क्या किया हुआ है,
आपको ऐसी कॉफी हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में और कहीं नहीं मिलेगी, बेस्ट कॉफी इन्हीं की है। इसके अलावा और भी दो तीन नेस्कैफे हैं, बट उनकी बराबरी नहीं है। इनके कंपैरिजन में कभी जब यूनिवर्सिटी आए, कभी कॉफी पीने का मन किए, चाहे अपना फ्रैपे भी नहीं हो, कैपेचिनो भी ना हो, कुछ मोका शोका वगैरह जो कुछ भी पीना हो, यहाँ का एक बार टेस्ट कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ये सौ कॉफी सही है और वर्थ इट है। पैसे भी ज्यादा हाई नहीं है, नॉमिनल फीस है, नॉमिनल पैसे हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलो फिर हमने आपको टूर करवा दिया, आईटी डिपार्टमेंट पे दिखाया ना इनको हमने। अभी आपको किसी दिन ले चलेंगे आर्ट्स वाली साइड में, आज हम लोग साइंस वाली साइड में ही हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे अभी हम चलते हैं, तो ये वाला ब्लॉग हम घर जाके अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस ठीक है। ओके भाई, ठीक है, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।